लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रविवार को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन स्थित मुक्ताकाश मंच पर आदिवासी निषाद वंशी मछुआ कल्याण समिति मध्य प्रदेश के तत्वाधान में मछुआ समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश भर सहित प्रदेश के जिले से आए युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय देते हुए कहा कि हमारा जीवन साथी पूर्ण रूप से शिक्षित होने के साथ सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। युवक युवतियों ने कहा कि आज के युग में शिक्षित जीवन साथी होना बहुत जरूरी है और वर या वधू माता पिता का आदर करने वाला हो। आज हुए परिचय सम्मेलन में करीब 200 रिश्ते तय किए गए। समिति के अध्यक्ष सुभाष रायकवार और उपाध्यक्ष अनिल रायकवार ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम पूर्व 450 से अधिक पंजीयन हुए थे, वही कार्यक्रम के दौरान 600 से अधिक युवक युवतियों ने पंजीयन कराया। इसके अलावा 12 पुनर्विवाह व 2 विकलांग पंजीयन भी किए गए। सम्मेलन के दौरान मौजूद अतिथियों को समाज की ओर से ज्ञापन सौंपकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आदेश में समाज हित संशोधन करने की मांग के साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र अनुसार राजधानी में निषाद राजभवन बनाने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। 12 वर्षों से राजधानी भोपाल में मछुआ समुदाय का ये अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इससे निश्चित रूप से समाज के युवाओं में एक प्रेरणा जो का संदेश जो गया है कि जो फिजूल खर्ची उनके अभिभावकों के द्वारा यहाँ वहाँ उनके लिए अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए लोगों को भटकना पड़ता था, उस उद्देश्य की पूर्ति एक मंच के नीचे, एक पंडाल के नीचे आकर यहाँ भोपाल में होती है और इसकी प्रेरणा लेकर युवाओं ने भी अच्छा खासा अपना जोश दिखाया है और इसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। युवाओं ने इससे प्रेरणा लेकर सामूहिक विवाह सम्मेलनों में भी विवाह करने का निर्णय लिया है। हमारे समाज के अनेक युवा जो आगामी हमारा कार्यक्रम होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन का, उसमें शामिल होंगे और उन्होंने आज हमारे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अनेक राज्यों के हमारे अभिभावक निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके बच्चा बच्ची के लिए अच्छे जीवन साथी का चयन होगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।